Assalamualaikum and hello to all the viewers, all the bikers, all the tourists. जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि बाइक पे टैंक बैग लगा हुआ है और आज आपको वाकई कुछ सैर करानी है थोड़ी ज़्यादा जीटी रोड की साइड की, और आपको फुल लेंथ दिखाऊंगा। यानी आज भी मैंने दोनों कैमरा रखे हुए साथ। अभी ये मेरे पास है, अभी जो लगा हुआ है इस पर हीरो 8 है गोप्रो का, और जब इसकी बैटरी ख़त्म होगी तो फिर इसकी जगह लग जाएगा गोप्रो हीरो 6 जो मेरा पहला वाला है, ताकि आपको पूरा इन्जॉय करवाऊँ। और मौसम ज़बरदस्त है व्यूअर्स, दिन है आज सैटरडे और टाइम मैं अप्रॉक्सीमेटली बता सकता हूँ। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि वो जो यहाँ पे लगती है ना छोटी सी घड़ी है, वो एक इधर लगा दूँ, टाइम पता चल जाता है। अच्छा जी, खैर आगे जहाँ रुकेंगे मैं टाइम आपको बताऊंगा जब मेरे हाथ में फ़ोन आएगा। अभी बता सकता था लेकिन फ़ोन हाथ में नहीं है। ये मैं हूँ कश्मीर हाईवे पे, बाइक तो आपने देखी है जी, मैंने पहले बताया CG125 पे, और मौसम ज़बरदस्त है और पूरा मैंने सारा कुछ यानी मास्क लगाया हुआ जो है, फिल्टर मास्क जी, और प्रोटेक्शन की सारी चीज़ें पहनी हुई हैं। और जी आगे देखते हैं, एक साथी भी ज्वाइन करेंगे। नाश्ता मैंने कोई नहीं किया आज, आपको दिखाएं जी कि क्या नाश्ता मेरा मूड हो रहा है, कहाँ पे क्या, ताकि आप इंजॉय करें सही तरीके से। ओके, यहाँ से मैं हो रहा हूँ, ये लेफ्ट को ले लिया टर्न, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे। अच्छा, बाइक को लगा है रिजर्व, इसका मतलब मुझे फ्यूल भी डालना पड़ेगा। इनफैक्ट मैंने पहले क्यों नहीं डाला, मैं चाह रहा था आपके साथ शेयर करूं जहां से फ्यूल डालूंगा, आपको दिखाऊंगा भी और देखेंगे कि भाई फ्यूल मिलता भी है कि नहीं मिलता। फोर 0 6 0, हाँ 5406, ये इसकी रीडिंग है, इसी पे रिजर्व लगा है। और एक साथी हैं, मैं चाह रहा था कि वो मिल जाते और फिर मैं इसे फ्यूल डालता। मौसम बहुत अच्छा है, शुक्र है कि वो धूप वगैरह नहीं है गर्ल्स। यानी मेरा प्रोग्राम बना हुआ था इस साइड का, वो एक कहते हैं ना बंदा तुला हुआ होता है, लेकिन ये कि मेरा था पहले अर्ली था थोड़ा, लेकिन बस कुछ आंख लेट खुली, कुछ थोड़ा लेट हो गया। फिर मैंने जब देखा कि मौसम अच्छा है तो फिर मैंने सोचा कि कोई इशू नहीं, जब आंख खुलेगी तो चले जाएंगे। यानी मेरा यही होता है, फिर जब प्रोग्राम बनाया तो फिर उस पर फिर निकले, फिर हल्का फुल्का ये नहीं देखना जी कि कनिया शुरू हो गई है तो
प्रोग्राम कैंसिल कर दिया या ये स्प्राइडर है शायद लेफ्ट पर, ये स्प्राइडर है। सेवेंटी का भी था मेरा, लेकिन वो जैसा मैंने आपको बताया कि सीडी 70 पे फिर आपका साथी भी कुछ 70 पर ही होना चाहिए, वरना वो तंग पड़ सकते हैं। तो आज देखते हैं एक साथी भी ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली वो 70 पर नहीं होंगे। अच्छा जी, ओके आ गया जी व्यूअर्स, साथ साथ में दिखाता होता क्या आप इंजॉय कर। ये आ गया फैज़ाबाद ब्रिज, ये आप देख रहे हैं फैज़ाबाद ब्रिज के नीचे से हम लोग अभी सीधा जाएंगे। यार ये आगे से मैं अगर लेफ्ट टर्न ले लूँ तो हम पिंडी मरी रोड आ जाता अगर मैं यहाँ से लेफ्ट हो जाऊँ, लेकिन हम लोगों ने जाना है सीधा। साइड व्यू मिरर इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, राइट साइड का 100 रुपए वाला। अच्छा बहुत सुबह, आपको पता है कि नाश्ता भी नहीं किया जाता। अगर बंदा कहे कि जी हर सूरत में घर से ही करके निकलना है तो नाश्ता सुबह नहीं किया जाता। दूसरा ये है कि थोड़ा मैं चाह रहा था आपसे शेयर करूं नाश्ते का, जहां से नाश्ता करेंगे। अच्छा आई डोंट नो एग्जैक्टली कि ये कितना रखता है रिजर्व पे, लेकिन अभी तो होगा। चले आज यानी फर्स्ट टाइम, आप जब से मेरी वीडियो देख रहे हैं आपने कभी नहीं देखा होगा कि मेरी बाइक पे हूँ, थक करके रिजर्व लग गए वीडियो के दौरान। अंदर करके एक पंप है लेकिन नहीं, मैं आगे जाना चाह रहा, थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। खैर अभी तो रिजर्व पर 6 किलोमीटर ही चला है। साथी जो ज्वाइन करेंगे वो करेंगे तकरीबन स्वांग गार्डन से। चले मैं आपको इन एडवांस बता दूं, वहाँ से करेंगे और राइड थोड़ी लंबी होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है, फुल लेंथ होने वाली ऑलमोस्ट, ताकि कोई भी सीन आपसे मिस ना हो। अच्छा या तो फिर ये कर लेते हैं कि थोड़ा आगे जहाँ से इंटरेस्टिंग हो, जहाँ मतलब ऑब्वियसली जो वर्थ यानी जो वॉचिंग वो खैर वो है जीटी रोड, वहाँ से दिखाऊँ आपको कि आप देखना चाह रहे हैं। अब आपकी मुझे जाहिर है जब ये वीडियो अपलोड होगी तब आप बताएंगे। तो
ये कर लेते हैं कि चले कि नहीं, कुछ नहीं करते, चले दिखाता हूँ। उसकी वजह है कि दो कैमराज हैं, इसलिए कोई इशू नहीं है। ओके, मौसम वेयर, मौसम अच्छा हो ना तो फिर ये जीटी रोड वर्थ है। मतलब गर्मियों की बात कर रहा हूँ ना, अच्छा सर्दियों में भी, सर्दियों में तो खैर सूरज होना चाहिए। और आज बहुत मज़ेदार था, आपने दर्शन रियली इंजॉय कर रहा हूँ मैं। जीटी रोड पे सीजी मदा करता है। विदाउट हेलमेट भाई साहब सीजी पे जा रहे हैं। भगाते हुए जा रहे हैं। अच्छा, इस रोड पे वैसे बड़ा रश होता है, अच्छा मेरे कुछ साथी थे जीटी रोड का, मैंने उन्हें कहा था कि आए, लेकिन उनका नहीं, गर्मी गर्मी गर्मी, कोई हालांकि कोई गर्मी नहीं है। जब आप बाइक रखते हैं और फिर ट्रैवल करते हैं तो फिर ये चीज़ें तो होती हैं, इतना तो थोड़ा बहुत बंदे को होता है। वाह, 72 बंदों में आप देखें कितना फिट जा रहे हैं। अच्छा यूँ करूँगा कि खैर पंप तो ये आगे भी है, लेकिन साथी मिल जाए तो फिर उसके बाद। अच्छा पंप्स काफ़ी हैं, बट आई एम सो अनश्योर कि मुझे नहीं पता कि पंप तो हैं लेकिन फ्यूल अवेलेबल है कि नहीं है। क्या ख्याल है, देखा जाए कि आगे जाया जाए। लग तो रहा है मेरा ख्याल आगे ही जाता हूँ, ताकि जो साथी हैं अगर उन्होंने भी फ्यूल डालना है। और थोड़ा ये है कि जीटी रोड का जो भी सीन चल रहा है वो भी पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि फ्यूल की वहाँ क्या पोजीशन है। काक पुल, ये अच्छा मेरे खैर अभी इस पे V6 तो लगा, लेकिन कोई साथी नहीं जिसके पास हो, तो फ़ोन मैंने खैर कनेक्ट किया, अगर किसी की
कॉल आई तो वो रिसीव होगी डेफिनेटली। इधर एक व्यूअर जो पार्ट आता है ना PWD वाला, वहाँ पे रश होता है बदतर। तो आगे फिर कुछ ठीक ही है, बाकी GT मजे का। वंस यू आर ऑन GT रोड तो बस फिर मजा, फिर कोई टेंशन नहीं है। फिर ये है कि आप अपनी साइड पे अपनी एक स्पीड मेंटेन रखते हुए जाए, कोई इशू नहीं। अच्छा पहले आता है जी व्यूअर्स राइट पे पाकिस्तान टाउन, अब आई डोंट नो वो जहाँ बोर्ड नजर आएगा मैं आपको बताता जाऊँ। जो इस साइड से उन्हें तो पता चल गया, मेरा ख्याल है कि राइट हैंड साइड पे पाकिस्तान टाउन है और आगे है बैरियर। अच्छा यहाँ पे ये रोड का पैच काफ़ी अरसे से ख़राब, और आगे ये व्यूअर्स ये राइट पे PWD है और PWD से आगे ये फिर चला जाता है बैरिया भी, क्योंकि वो बैरिया टाउन बोर्ड लगा हुआ है। बट बैरिया टाउन का भी लगा है, मीडिया टाउन का भी बोर्ड लगा हुआ है। हम लोग इससे जा रहे हैं सीधा आगे।